सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 5 जन्मदिन का उपहार पढ़ेंगे। हम सभी को जन्मदिन पर कुछ न कुछ उपहार अवश्य मिलता है। अगर यह उपहार हमारी पसंद का हो तो फिर कहना ही क्या, पर अगर सब लोग हमारी पसंद का एक ही उपहार दें तो क्या होगा। तो आइए, इसी पर आधारित है यह कहानी, जो पशु प्रेम और मानवीय संबंध पर आधारित है। तो पढ़कर इसे अब समझेंगे। बच्चों, जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख रहे हो कि विपुल नाम का एक बच्चा है जिसके आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका प्यारा कुत्ता सैंकी खो गया है, जो झबरीले बालों वाला छोटा सा प्यारा सा सफ़ेद रंग का है। सैंकी उसके गेंद को उठाकर देता था और कभी उसके बिस्तर पर लेट जाता था। वो कभी पूंछ हिलाते हुए उसके गोद पर चढ़ जाता था। विपुल को इसकी यादें आ रही थी। विपुल को याद ही नहीं कि उसने कभी सैंकी के बिना खाना खाया हो। दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भैया दीदी, किसी से भी विपुल की उदासी देखी नहीं जा रही थी और सब मिलकर उसे समझा रहे थे, लेकिन वो किसी की बात भी नहीं मान रहा था। इसी तरह पूरा महीना बीत गया और विपुल का 7वां जन्मदिन आ गया। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर तैयारियां की हैं और उनके मित्रों को भी निमंत्रण दिया है। माँ एक हाथ में विपुल का मनपसंद चॉकलेट केक और दूसरे हाथ में विपुल का हाथ पकड़े हुए कमरे में आती है। विपुल उदास सा केक काटने के लिए खड़ा हुआ और पर यह क्या, अचानक सब विपुल से जिद करने लगे कि केक काटने से पहले सब उनके उपहार को खोलकर देखें। विपुल ने सबसे पहले दादाजी का उपहार को खोला तो उसमें से सैंकी जैसा ही कुत्ता निकला। विपुल का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके बाद उसने अपनी दादी माँ का उपहार खोलकर देखा और उसमें से भी वैसा ही कुत्ता निकला। इस तरह विपुल ने जितने भी उपहार खोले सब में एक एक कुत्ता निकलते गया। वह बहुत खुश हो गया और हैरान भी हो गया। उसके पास अब 15 कुत्ते थे। उन कुत्तों को देखकर वो काफ़ी प्रसन्न था और खुश होते हुए भी वो सोच रहा था कि मेरे पास तो अब इतने सारे कुत्ते हो गए हैं। लेकिन उसकी माँ बहुत हैरान और परेशान हो गई कि इतने सारे कुत्तों का पालना कैसे होगा। विपुल को माँ की परेशानी का पता नहीं होता है और वह सारे कुत्तों पर बहुत प्यार से हाथ फेरने लगता है। तभी दादाजी उसे बुलाकर पूछते हैं कि तुम इतने कुत्तों का क्या करोगे। वह बोलता है कि मैं अब सारे कुत्तों को बहुत प्यार से एक एक कुत्ता अपने दोस्तों में बांट दूंगा। विपुल ने चहकते हुए कहा और उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। धन्यवाद बच्चों।